अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पैलेट के बारे में जो आप मैंने जैसे ये मुसरत मिसबा की थी, मुसरत मिसबा की थी या मैंने किसकी थी, बहरहाल जो भी था, जीरो पैलेट जो थी, अच्छा उसके बारे में। ये मैंने घर में बनाई थी खुद से, क्योंकि अगर आपने कहीं सफ़र पर जाना हो या कहीं भी जाना हो, अगर आप एक पैलेट डाल लेते अपने बैग में तो आपके लिए काफ़ी है। ये मैंने ब्लश बनाया था, ये वाला जो शेड है ये ब्लश का था, ये भी ब्लश था, ठीक है, ये बेस था, ये कंसीलर था, और ये है बनाना, वो जो उसे बनाना पाउडर होता है ना, वैसे ये बनाना उसके फाउंडेशन है, लिक्विड है ये, और ये मैंने रखा था लिक्विड ही था, ये भी कंटोरिंग के लिए शेड, और इसी तरह ये उसके इस्तेमाल करती हूँ मैं लिपस्टिक के ऊपर लगाती हूँ लिपस्टिक को मैट करने के लिए, ये वाला पाउडर ये देखिए पिंक शेड में है, और ये वाला लिपस्टिक शेड है, और ये था सेटिंग के लिए डार्क सर्कल्स और इन आइस के जो भी डार्क स्पॉट्स कुछ भी होते हैं उनकी सेटिंग के लिए, उन पे लगा के डार्क सर्कल छुपाने के लिए था, और ये भी लिपस्टिक का न्यूड शेड था। ये सारे इसमें एक मिरर भी लगा हुआ है, ये मैं एक अपने बैग में रखी थी, उसके बाद भी सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़ती है मस्कारे की, उसके अलावा किसी की भी नहीं पड़ती। अच्छा, ये मैंने नेक्स्ट बनाया न्यू पैलेट बना रही थी, मैंने कहा चलिए आप सब भी शेयर करूँ। ये मैंने कल बनाया था, इसमें भी मैंने मिरर सेट करना है। ये कंटोरिंग शेड है ये देखें, और ये है पाउडरी में, ये मेरे पास ऑलरेडी इसमें था, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने जो मुझे वहाँ पे उसमें मिस हुआ, मैंने इसमें प्राइमर रखा है, प्राइमर आप पता है जो बहुत ज़रूरी है आजकल। ये ब्लश है, ठीक है, ये अगेन जो डार्क सर्कल्स, मेरे काफ़ी डार्क सर्कल्स है उसके लिए है, ये उसकी सेटिंग के लिए, वैसे मैं अक्सर ब्रश के तौर पर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, ब्लशन के तौर पर भी। ये मैंने कल बनाए थे, और आज मैं आपके सामने एक में हाईलाइटर बनाऊंगी और दो में लिपस्टिक शेड्स बनाऊंगी, ठीक है, एक में मैट बनाऊंगी एक में ग्लॉसी बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ बनाने कैसे बनाने हैं। ये एक फुल पैलेट में आपका सब हो जाएगा, ये बेस है, ठीक है, इसमें मैं बेस भी और ऐड करती हूँ, मैं दो तीन बेस ऐड करके फिर मैं लगाती होती हूँ, तो इसमें मैंने अभी एक डाली हुई है, तो अभी दो मैंने ऐड करनी है इसमें। चलें जी, अब हम बनाते हैं लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक बना लेते हैं पहले। हाँ जी, मैट लिपस्टिक बनाने के लिए, अच्छा मेरा जो ये देखिए इससे लिपस्टिक, ये सारी मेरी जो बिल्कुल खत्म हुई हुई लिपस्टिक है, जो जाया है ना, ये वो लिपस्टिक्स हैं, इसमें से मैं ये लिपस्टिक निकालूंगी और इस चम्मच में डालूंगी, ठीक हो गया, ये अच्छी तरह से आप निकाल लें सारी, आपके पास भी काफ़ी सारी ऐसी लिपस्टिक्स होंगी जो हम लोग वैसे तो खा जाते हैं लेकिन थोड़ी बहुत होती है। ये देखिए ये भी टूटा फूटा कचरा टाइप, जल्दी हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूंगी रेड, ये देख, ये मैंने तीन लिपस्टिक की शेड ली है। अच्छा, ये जो लिपस्टिक की शेड हम बनाते हैं ना, ये फिर आपको कहीं भी नजर नहीं आते, क्योंकि ये जो हम बना रहे होते हैं ना, फिर ये एक अलग ही शेड निकल के आता है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत शेड निकल के आता है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये इधर इसको रखते हैं, ये देखें ये ऑलरेडी इसका सत्यानाश हुआ है, सत्यानाश इसे कह लेते हैं। अच्छा, ये वाला शेड डालते हैं इसमें, इसी से मिलता जुलता ना, चलिए इसको हम मेल्ट करते हैं लिपस्टिक बनाने के लिए। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रखी जाती लिपस्टिक्स में, तो अक्सर बैग में जब भी रख लेती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मेरी, तो जितना भी उनको आप ऑर्गेनाइज कर लो कुछ ना कुछ निकल के खराब हो ही जाता है आपके बैग में। इस तरह की पहले रख लें तो आपको बहुत ईजी हो जाता है, आपको कहीं भी कुछ भी अपना मेकअप सेट करना हो या अपना डार्क सर्कल्स छुपाने हो या लिपस्टिक का शेड चेंज करना हो, बहुत ईजी होता है आपको सफ़र में, खास तौर पर हमारे बैग में काफ़ी सारी जगह बच जाती है। जीरो पैलेट से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, मैंने नहीं लिया, मुझे लगता है कि वो एक्सपेंसिव, हाँ काफ़ी सारे लोगों ने शायद लिया भी होगा, यूज़ भी किया होगा। अब एक खुल जा, चलो जी शुक्र है खुल गया, और ये देखें अब इसमें हम ये करेंगे, ये बड़ा ही कोई प्यारा सा शेड बना है, ठीक हो गया। मुझे इस तरह कलर्स बहुत पसंद आते हैं, ये इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाला है ब्लश ऑन का पाउडर डाला है ना, ताकि ये थोड़ा सा और डीप पिंक सा हो जाए। चलें जी, ये देखिए अब हम इसमें ये डालेंगे, ये ना पैलेट सीधा नहीं पड़ा हुआ, इसको चीदा करते हैं, चीदा
ये अब इसलिए इधर पड़ जाओगे, इधर आ जाओगे, इधर आ जाओ, खराब नहीं होना ये। अच्छा ये हो गया, ये लिपस्टिक शेड मैं आपको चेक कराऊंगी, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा ये शेड। अच्छा मिलता जुलता इसे होगा लेकिन ऐसा परफेक्ट ऐसा शेड नहीं होगा। अच्छा अब हम इसमें बनाएंगे, सॉरी इसमें बनाएंगे हाइलाइटर, ठीक है हो गया। अच्छा हाइलाइटर बनाने के लिए जो है ना हमें कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइलाइटर मैं आपको इजी बनाना बताती हूँ, आपके पास अगर नहीं भी आता ना, आप इस तरह के बीमार शिमार ना भी हो ना, मतलब कि अगर आपके पास न्यू पैलेट्स पड़े हुए हैं तो बड़े एहतियात के साथ आप यूं आहिस्ता 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 प्यार के साथ, आप पता है सारे काम ही हो जाते हैं इजी इजी, प्यार वाला हाथ रखें। तो ये देखें ये देखें ये हो गया। अच्छा अब हम इसको पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला शेड मैंने लिया है और इधर से ये ग्लिटरी शेड मैं ले रही हूँ, ये वाला फिर आप देखिएगा हाईलाइटर, जो ये हाईलाइटर महंगे महंगे हाईलाइटर है ना उनसे भी अच्छा काम करता है। अच्छा ये अब इस पैलेट में से ले लिया, आपके पास कोई भी पैलेट पड़ा हुआ है कोई मसला नहीं है, आप उसमें से इस तरह के लाइट लाइट ग्लिटरी शेड में से शेड ले सकते हैं। ये देखिए मैं फिर एक और बीमार पैलेट उठा के ले गई हूँ, ये देखिए इसमें से ये वाला कलर, मतलब कि आप शेड को खराब मत करें, उसको थोड़ा सा अपने यूज के लिए ले लें ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा जी अब ये मेरे पास है इनका, इसका भी मैंने रिव्यू भी दिया था आपको, ये देखें आपको मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा ये देखिए आप हल्का हल्का सा आपने इसको वो करना है, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं छेड़ना इसको ना, ये देखिए हमें लेने के बाद ये देखें ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा आप कोई भी अपने पैलेट्स में से शेड्स तो आपको समझ आ रहे होंगे ना कि आपको, मैं ये देखें जरा अब, अच्छा ये देखें ये देखें इस बेचारे की कैसी हालत की हुई है मैंने, क्या करूं ये बच्चे तोड़ देते हैं मेरे। चले जी अच्छा ये भी हो गया, इसमें ये वाला शेड भी आ गया। अब हम इसमें डालते हैं कोई और प्यारा सा शेड। हाँ तो बच्चों ये देखिए ये वाला शेड ऐसे बहुत अच्छा है, मैं ये हाइलाइटर के लिए इसके लिए हाइलाइटर के लिए और पता नहीं किस किस के लिए यूज़ कर लेती हूँ, तभी ये मुक्का छुक्का पड़ा बेचारा। खैर ये देखें ये आ गया, ठीक है इसमें से, और इसमें से ये वाला शेड भी बहुत लाइट और प्यारा है, सो इसकी भी चोरी बनती है, ये इनमें से ये वाले शेड्स हो गए, ठीक है। अब हम इसको जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, चले जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं कैंडल पे, ये देखिए बैठ करके। ये अब तीन चार शेड्स मिल जाते हैं, मैं सर को ये पूछता रहता है ये कौन सा शेड लगाया है, ये कौन सा शेड लगाया हुआ है, इतने डिफरेंट इतने डिफरेंट ये शेड्स लगते हैं लगे हुए, और इतने कोई मजे के लगते हैं ना ये शेड्स कि किसी को क्या पहचान आएगी, कोई शेड होगा तो मैच ना इससे, अगर आप इसके साथ कोई शेड ले भी आए ना वो चीज़ नहीं होती। जैसे अभी मैंने हाइलाइटर बनाया है ये वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे हाइलाइटर्स मिक्स किए हैं, मतलब शेड्स मिक्स करके बनाया है, और अभी से ये लिपस्टिक का शेड है ये काफ़ी सारे, ये आपको पता नहीं कैसे नजर आ रहा है, बहरहाल ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है लिप्स पे लगा हुआ शेड ना। अभी मैं इनके साथ स्वच्छ भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अब इसको मैंने कर लिया है मिक्स अच्छे से लिपस्टिक को, अब इसमें मैं थोड़ा सा ये पाउडर डालूंगी, हाइलाइटर पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि लिपस्टिक जो है ना फौरन से अपने उसमें आ जाती है स्ट्रक्चर। चलो अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये देखिए ठीक हो गया। ये अब हम ब्रशों के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप ऐसा पैलेट बनाएं इसमें, ये देखिए आप ये प्राइमर है, इसके ड्राई होने तक मैं नहीं खा सकती इसे। अच्छा ये प्राइमर है, ये आपकी बेस हो गई ठीक हो गया, ये आपका कंटूर हो गया, और ये आपका लिपस्टिक का शेड हो गया, और ये आपका हाईलाइटर हो गया, ये आपका डार्क सर्कल छुपाने के लिए है, कंसीलर कह लें या कुछ भी कह लें इसको ऑरेंज कलर में, ठीक है। ये लिपस्टिक हो गया, ब्लश भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, ये भी ब्लश भी लिपस्टिक भी, आप ये जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे ही अभी थोड़ी देर में ड्राई होता है ना, मैं आपको इसके सबके ये आपको खैर बाकी दूसरों के तो दिखा देती हूँ, जब तक ये ड्राई होता है। ये देखें ये है जी, पहले तो है हमारा प्राइमर, ये देखें ये देखें मज़े का प्राइमर है ये, और उसके बाद ये बेस है इसकी, ये देखिए आप हल्की सी लगाएं, इतनी ज़रूरत नहीं है आपको भर भर के लगाने की, ये देखें ये हो गया। अगर आप अभी फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते तो आप पाउडर भी लग रख सकते हैं अपना उसका मिक्स करने के लिए। अच्छा ये अब मैं आपको हाइलाइटर दिखाती हूँ, हाइलाइटर का शेड कैसा है ये देखिए, अब हाइलाइटर को देखिए आप,
पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बहुत ही प्यारा सा कलर है, देखिए मज़े का है ना, देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर है ये। अच्छा ये देखिए आप, ये वैसे आप ब्लश की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम ये लिपस्टिक की तरफ, और या ब्लश कह रहे हैं, ये देखें ये वाला शेड भी कितना प्यारा बन गया, और ये देखें कितने डिफरेंट शेड्स हैं। ये आपको बाजार मार्केट में इतने ईजी नहीं मिलेंगे ये वाले शेड्स, क्योंकि ये तो हमने खुद बनाया ना। ये देखिए लड़कियों, ये हाइलाइटर हो गया हमारा, और ये हमारे शेड्स हो गए, ये हमारी तरह तैयार हो गई है। अब इसको रिस्की तो है, लेकिन मैंने दिखाना भी है और वीडियो भी एंड करनी है, वीडियो लंबी हो रही है। चलिए जी ये देखें, अब ये देखने वाला शेड कितना प्यारा शेड्स है, ये सारे खूबसूरत तरीन शेड्स हैं। और ये पैलेट ज़रूर बनाइएगा, कोई भी पैलेट आपके पास ख़त्म हो जाते हैं आप उसको भी बना सकते हैं, ये जीरो पैलेट की तरह हम खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेस कम है, जैसे ये खत्म होती है आप दोबारा भी इसको डाल सकते हैं। अगर आपने इन शेड्स में से इनमें से किसी को कम करना है, इसमें कम करके आप अपनी मर्जी की बेस भी, बाद लोग मिक्स करके भी लगाते हैं, तो आप अपनी मर्जी की भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। जैसे आप अपनी उसको चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने तो, मुझे तो ये पसंद है, मैंने ये बनाया। अभी मैंने इसके अंदर एल्फी लगा के मैंने एक मिरर लगाना चाहता था, ताकि हमें उसको भी रखने की जरूरत पेश ना आए। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।